10 को। फिलहाल हम मौजूद है हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव में। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। आज होली का पर्व है, आइए जानते हैं होली के दिन आज इनका जो चेहरा एक विशेष तरह से बना हुआ है इसका क्या कारण है और होली के दिन को लेकर इनकी क्या भावनाएं हैं। सर नमस्कार जी। हाँ जी काल जी, क्या नाम है आपका? मंगीलाल साहब। अच्छा सर, आज आप इस वेशभूषा में क्यों खड़े हो पहले तो ये बताइए। हाँ जी, हम हमारे बडेरे जैसे हैं होलिका मना रहे हैं। होलिका प्रहलाद बनाया था, होलिका जल गई थी, प्रहलाद लेके निकल गया था वहाँ से। दर्शकों इन्होंने बताया कि ये जो भगत प्रहलाद है उनकी स्टोरी बताई कि भगत प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका भगत प्रहलाद को जलाने के लिए जब अग्नि की चिता में बैठी तो भगत प्रहलाद वहाँ पर बस गए थे। और फिलहाल इनकी जो वेशभूषा है वो कुछ अलग है, तो इनसे जानना चाहेंगे इन वेशभूषाओं को लेकर इनके क्या विचार है। सर आज आपका चेहरा भी और आपके कपड़े भी एक कीचड़ में हो रखे हैं, तो आप इस तरह होली कैसे मना रहे हैं? ऐसे बस जैसे हमारे बूढ़ जरक मना रहे थे वैसे मना रहे हैं हम, जैसे गिश्ती चलती आ रही है वैसे चल रहे। अच्छा, तो सर आप जैसे अक्सर देखने में आता है कि होली के दिन लोग नशा भी करते हैं, क्या ये नशा हमारे शास्त्रों के अंदर यूं कहें कि हमारे जो होली के दिन क्या भगत प्रहलाद ने भी कोई नशा किया था क्या? नहीं जी, नशा नुशा का पता नहीं है, नशे हमने तो किए नहीं, हम तो राजी खुशी वैसे मना रहे हैं। अच्छा, अक्सर यूं आता है कि लोग इस दिन शराब पीते हैं, या ये बात मानते हो ना? शराब भी पीते हैं, भांग दतूरा भी पीते हैं। पीते हैं इसमें तो लिखा तो है नहीं, कोई ऐसे नहीं है भाई नशा करके होलिका मनाया जाता है। वैसे राजी खुशी आपकी आत्मा से मना रहे हैं, जैसे हम तो कोई नशा नहीं करते। दर्शकों इन्होंने बताया कि ये नशा नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल एक गांव के अंदर यूं कहें कि समाज के अंदर एक प्रथा भी चली आ रही है, ये भी इनको मानने के लिए मजबूर है कि उस दिन नशा भी होता है, भांग तथूरा इस तरह की जो नशीली वस्तुएं उनका भी सेवन होता है। उसको इस तरफ हमारे एक सज्जन भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये होली के दिन ऐसी वेशभूषा में क्यों खड़े हैं जहाँ पर इन्होंने चेहरे पर किसी भी प्रकार का रंग या कीचड़ नहीं लगा रखा है। सर नमस्कार जी। साहब क्या नाम है सर आपका? मुखराम दास। अच्छा सर, आज आपने यहाँ पर होली के दिन ये ऐसी वेशभूषा बना रखी है जहाँ पर आपने एक साधारण एक सज्जन की तरह खड़े हो, आपने भी रंग इनकी तरह कोई रंग वगैरह क्यों नहीं लगा रखा? सर हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इसलिए हम रंग रंग नहीं लगाते। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं सर? आप हमारी नज़र में ये होलिका नहीं मना रहे हैं, तो आप हमारी नज़र में ये हिंदू नहीं है। जी जी, आपकी बात सही है। जस्ट इन्होंने जो क्वेश्चन किया एक शानदार क्वेश्चन है कि ये कह रहे कि हम संत रामपाल जी के अनुयायी है और होली नहीं मना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू नहीं है। वास्तव में इनकी बात भी सत्य है कि जहाँ हिंदू होना एक त्यौहार बनाने के लिए उनकी एक आवश्यकता भी होती है हिंदू धर्म के लिए। सर इसके बारे में क्या बताना चाहोगे इन्होंने कहा है? सर हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये तो एक दिन होली मनाते हैं, हम 365 दिन होली मनाते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि आप हिंदू नहीं हैं, हम शास्त्रों के अनुसार हम साधना करते हैं। होली तो मनाते हैं, मगर हमारे गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने, जब से हम इस भक्ति मार्ग में आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तब से संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि बच्चों राम नाम की होली खेलो, ने कोई होली में कुछ रखा ही नहीं। गुलाल वाली होली क्यों नहीं खेलते? गुलाल वाली होली इसलिए खेलते कि गुलाल वाली होली में कुछ गुलाब नहीं होता, कुछ मिलता नहीं, कुछ उसमें हासिल नहीं होता, क्योंकि भगत जी जो मेरा जो उनका जो मैं होली खेलता था बहुत होली खेलता था, मेरे साले वो सब मिलके आते थे, तो ऐसे सब होली खेलते खेलते एक दिन हमारे घर पे वो आ गए और उनके दोस्त भी आ गए। तो दोस्त आ गए, आने के बाद जब हम होली खेलने लगे मेरे साथ, तो मैं थोड़ा भाग गया, तो हमारे घर के सामने जो पानी के लिए जो हौद बनाया जाता है तो हौद था, तो हौद के ऊपर मैं चढ़ गया। उनको लगा कि इनको हौद में ढकल के समझो रंग डाल देंगे, तो मैं हौद के ऊपर खड़ा हूँ, उन्होंने पैर खींच लिया मेरे साले ने, तो पैर खींच लिया और वैसे पैर खींच लिया, वैसे मैं ऊपर से नीचे गिर गया। ऊपर से नीचे जब गिरा तब मेरी ये जो साइड की फसल रहती भगत जी वो टूट गई। तो जब इस दिन त्यौहार अगर रहता है, अगर त्यौहार में कुछ होता है, अगर अपने को कुछ अच्छा होता है अपना, तो ये ऐसा क्यों हुआ? उस दिन से मैं सोचता था कि अपने साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या करना नहीं चाहिए। होली के त्यौहार पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा, आपको नुकसान हुआ, आप क्यों नहीं मनाते हैं होली का त्यौहार, रंग गुलाल वाला त्यौहार क्यों नहीं मनाते? सर जी, जब हम पहले होली मनाया करते थे अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हमारे मामा जी हैं उनका होली के ही दिन एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद जो हमारे घर की खुशी का माहौल था वो पूरा दुख में बदल गया। सब लोग रो रहे थे, धो रहे थे, फिर हम सोच रहे थे होली के दिन सब खुशी मनाते हैं, और ये भी सुना था कि भक्त प्रहलाद की उस दिन रक्षा हुई थी, लेकिन हमारे मामा की मृत्यु हो गई। फिर हमें इस बात का बहुत दुख लगा, लेकिन छोटे थे, कुछ किसी से कुछ बताया तो ठीक है सुन लिया। फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, फिर हमें पता चला कि हमें होली क्यों मनानी चाहिए और कैसी मनानी चाहिए।
संत रामपाल जी बताते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान के ऊपर विश्वास किया, उसकी रक्षा हुई। अगर तुम भी भगवान से भक्ति लेके भगवान के ऊपर विश्वास करोगे और भक्ति करोगे, तुम्हारी भी रक्षा होगी। जब रक्षा होगी तुम्हें खुशी मिलेगी और फिर वो असली राम नाम की होली, तब तुम्हें असली राम नाम की होली। हाँ बोलिए भाई। ये हमारे गांव में रहते हैं। अच्छा। हमारी नज़र में मतलब समझ में या कैसे भी है, ये मतलब भगवान को भी नहीं मानते होंगे, फिर होलिका नहीं मना रहे हैं तो भगवान को ही नहीं मानते होंगे, राम को नहीं मानते होंगे, फिर राम नहीं मानते हैं ये। अच्छा जा, इन्होंने बात भी ये सही की कि ये जो होली नहीं मना रहे हैं लोग, ये राम को भी नहीं मानते होंगे। तो फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या ये राम को मानते हैं या फिर होली को भी नहीं मानते? आइए इनसे जानते हैं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे शास्त्र अनुसार हमें भक्ति बताई है, उसी से भक्ति करते हैं हम। जैसे ये बताइए, बोल रहे हैं कि आप हम राम को नहीं मानते। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक महीने का भंडारा अभी भी चल रहा है अयोध्या में, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब, इसमें सब कुछ भक्तों को निःशुल्क भंडारा दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। हमारे जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आप शास्त्र अनुकूल साधना करो तो इसी से आपको सुख मिलेगा। जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है, उस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के हितैषी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग 24 घंटे भंडारा करते हैं और शुद्ध देसी घी में भंडारा करते हैं। साफ सफाई की इतनी ख्याल रखा जा रहा है, 24 घंटे सारी सेवाएं दी जा रही है और किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना लिया जा रहा है, ना दान लिया जा रहा है। और उनके जो श्रद्धालु है इतनी उमंग के साथ यहाँ पे सेवा करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कथावाचक है, जो संत है, अगर एक कथा करने के भी वो 10-10 लाख रुपए ले लेते, अन्यथा उसके पैसे लेने के अलावा भी वो चंदा भी इकट्ठा कर लेते, तो वो किस प्रकार से सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? जी, इन्होंने बात बताई कि ये, इन्होंने प्रश्न किया कि ये राम को नहीं मानते, तो इन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने अयोध्या के अंदर एक महीने का विशाल महाभंडारा शुरू कर रखा है जो राम भक्तों के लिए। तो सर आप बताइए, इन्होंने जो भंडारा शुरू कर रखा है तो अब आपकी क्या सोच है इनको लेकर? भाई भंडारा कर रखा है तो अच्छी बात है ये। वैसे भाई भगवान या होलिका जैसे त्यौहार है, आज का त्यौहार की बात है ये, त्यौहार क्यों नहीं मना रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, इसका जवाब चाहिए। जी, इन्होंने बताया कि ये जो त्यौहार क्यों नहीं मना रहे, आइए जो ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर जैसे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के अनुयायी होली नहीं मना रहे, तो इसके बारे में इन्हें क्या बताना चाहोगे? जी, हमारे गुरु जी ने होली मनाने के लिए मना किया है, इसलिए मना किया है कि आज के दिन जैसे ये होली मनाते हैं तो इनकी जो वेशभूषा है वो देखो, जो ये कीचड़ में हो रखे हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने दाढ़ी करके ये कपड़े बनाए हैं पहनने के लिए, अच्छे रहने के लिए ये कपड़े ख़राब कर रहे हैं। फर्स्ट में तो ये नुकसान हो रहा है इनका। दूसरा, मान लो कोई नशा करके जैसे होली मनाता है तो हो सकता है रास्ते में कहीं वो गिर जाए, उसका नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो गुरुजी हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं कि इस प्रकार आप भक्ति करो, सद्मार्ग पे चलो। जो भगत प्रहलाद था तो उसकी रक्षा खुद परमात्मा ने की थी, क्योंकि उसने प्रहलाद ने सद्मार्ग पे चल के परमात्मा के बताए अनुसार, शास्त्र के अनुसार भक्ति की थी। जी, पहले तो हम भी अनुपासना वाली होली खेलते थे, रंग भी लगाते थे, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना, पानी फेंकना, और उसके बाद होली तो कम जी पार्टी होती थी और उसमें दारू भी चलती थी, सब टाइप का सब कुछ चलता था। और यही चीज़ हम दिवाली पे भी देखते हैं, अलग अलग त्योहारों पे देखते हैं कि जब एक बार छुट्टी हो गई तो जुआ खेला जाता है सब। और ये कौन से ग्रंथों में लिखा है कि आपको हमारे त्योहारों पे ये सब चीज़ें करनी चाहिए? ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। हम अब राम नाम की होली खेलते हैं, यही होली भक्त प्रहलाद ने भी खेली थी, जो उनकी राम नाम की होली खेलने का मतलब क्या? राम नाम की होली है कि शास्त्र अनुसार अपने परमात्मा को, अपने भगवान को याद करते हुए भक्ति करना। भक्त प्रहलाद जी की कैसे जान बची थी? उन्होंने कोई रंग लगाया थोड़ा ना था, ना उन्होंने कोई पानी फेंका था, उन्होंने राम नाम की हो रही थी, उन्होंने अपनी भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनकी जान बच गई, जिसके कारण हम आज होली मनाते हैं। लेकिन उनकी तो भक्ति करते करते जान बची थी ना, उनकी कोई रंग खेलते हुए और पानी में उछालते हुए थोड़ा ना जान बची। और वही हमारे गुरु जी हमें सिखाते कि राम नाम की होली करो, भक्ति करो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, रोज करो, तो आपके लिए घर में रोज ही त्यौहार है। आपके कहने का मतलब है कि ध्रुव प्रहलाद ने राम नाम की होली खेली, मतलब कि भगवान पर विश्वास किया, आस्था को मजबूत किया और परमात्मा की भक्ति करके उसको लाभ मिला और भगवान ने उसकी रक्षा की। आप भी वही राम नाम की होली खेल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं।
आपके जीवन में क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो भगत जी, हमने जब ये राम नाम की होली खेली, परमात्मा जी से नाम लिया, प्रथम मंत्र लिया, सतनाम लिया, धीरे धीरे हमारा जीवन तो एकदम पलट गया। तो हमारा सबसे पहले तो परमात्मा जैसे बताते हैं कि उन्होंने हमारे पैर में से कांटा निकाला कि हमारा ये जो बीमारी थी ये ख़त्म करी, धीरे धीरे हमें स्वस्थ किया। अब इस टाइम मेरा कैंसर बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद परमात्मा ने हमें वो मेरा भी स्वास्थ्य ठीक किया, मेरी भगतमती साथ में इनका भी स्वास्थ्य ठीक किया। आपका क्या नाम? संगीता। संगीता कहाँ से आए? गुड़गांव से। कितने साल हो गए हैं आपको संत रामपाल महाराज से जुड़े हुए? 2017 से हम जुड़े थे। लगभग 5 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इसके अलावा आपने कितनी होलियाँ मनाई होंगी जो आपको याद होंगी कि इतने वर्ष तक मैंने होली मनाई? बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तब तो हम संसारी की सब कुछ काम करते थे, पर जब से परमात्मा जी से जुड़े हैं, उनकी शरण में आए, तो हमें समझ आई कि राम नाम की होली ही हमें खेलनी है, वो सही है और शास्त्रों के अनुसार है। तो हमने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी यही संसारी की सब करती थी, फॉलो चीज़ें, सब कुछ वैसे ही चलती थी, हमारी पार्टी सब कुछ। पर जब से हमें पता चला तो हम लोगों ने वो सब त्याग दिया और हमें अच्छा भी लग रहा है वो सब, क्योंकि अब हम बिल्कुल ही साधारण और बहुत ही हमारे ऊपर से बोझ हट गया संसार का और बहुत अच्छे से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इतनी ज़्यादा कि ये हर वक्त भक्त जी मेरे ऑफिस से घर आते थे और लेके जाते थे, 3-3, 4-4 घंटे मेरा सिर दबाते थे, मेरे बच्चे छोटे थे वो भी, मेरी मेड भी, मतलब इतना बुरा हाल था। आज की डेट में मैं दवाई खाती ही नहीं हूँ, कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती थी और एकदम उठा जाते ही 7-8 बजे जब सूरज शुरू होता था निकलना, मेरे सिर में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता था। अब परमात्मा जी से जुड़ के नाम लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इवन ओवरीज में सिस्ट हो गए थे, मेरे को किडनी स्टोन्स थे, कोई भी दवाई नहीं दी, डॉक्टर ने दिखाया अल्ट्रासाउंड में बट उसने भी अभी कोई दवाई नहीं दी कि हम देखते हैं, पर परमात्मा जी की इतनी दया हुई कि मेरा सब कुछ बिना दवाई के ठीक हो गया। तो सर, जैसे इन्होंने संत रामपाल जी की जो आप अनुयायी हो, इन्होंने ये बातें बताई, तो सर आप इनकी बातों से कितना सहमत हो? जी, हम इस बात से सहमत हैं भाई, राम जो सीधे रास्ते चलते हैं, भाई राम की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, चलो भक्ति है, भक्ति के अंदर सत्य है, ये बात है भाई, भक्ति करेंगे तो पार निकलेंगे। अच्छा, तो सर इन्होंने बताया कि भक्ति भी करनी चाहिए, इनके अनुयायियों से ये सहमत भी है। तो दर्शकों, इन्होंने जो बात बताई, और आइए इनसे जानते हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायी है और भी क्या संत रामपाल जी कोई समाज सुधार के कार्य भी कर रहे हैं, का जिस प्रकार इन्होंने बताया कि एक होली के अंदर जो कुप्रथाएँ थी उन कुप्रथाओं से दूर होकर राम नाम की होली खेल रहे हैं। सर बताइए और क्या बताना चाह रहे हो, क्या संत रामपाल जी और भी कोई कार्यक्रम चला रहे हैं समाज सुधार के हित में? हाँ जी, बहुत से नेक कार्य है जो करवा रहे हैं हमारे गुरु जी, जैसे दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन भी होता है और नशा मुक्त अभियान भी चलता है, एक देश को पूरा नशा मुक्त करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अच्छा सर, आपके हाथ में ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या है? जी सर, ये जो पुस्तक है ना, जीने की राह पुस्तक, इसको पढ़कर आप भी सद्भक्ति कर सकते हो, सद्मार्ग पर चल सकते हो। इस पुस्तक को पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, आप भी पढ़ सकते हो उसको। जी दर्शकों, अभी हमने जाना जो ये पुस्तक के बारे में बताया और जो होली का त्यौहार था, इन्होंने होली के त्यौहार का रीज़न भी बताया कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी है वो होली कैसे बनाते हैं। इन्होंने बताया कि हम राम नाम की होली मनाते हैं और इस होली के दिन जैसे आम घटनाएँ होती रहती है कि होली के त्यौहार के दिन जहाँ एक्सीडेंट होते हैं और नशे में धुत लोग अश्लील हरकतें भी करते हैं, उनका जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने विरोध भी किया। फिलहाल दर्शकों, आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।